आपको एक बार आना पड़ेगा नैटे दिखाते हैं इतने पैसे डालने के बाद <laughs> अच्छा इंटीरियर में पहला बड़े और उसके बाद दूसरा एक ये जो रबड़ है ना इसकी ये रबड़ बहुत छोटी है ये ना मिरर से टच होती है तो इसमें गंदगी नहीं जाती सेल्टोस में भाई ने सेल्टोस लिया है उसमें यही है कि हाँ रबड़ बिल्कुल मिरर से लगी हुई है तो उसमें गंदगी नहीं जाती है अब इसका गंदगी जैसे एक चीज हुई है कि हाँ इसका मिरर जो है ना नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और जो कि ऑटोमेटिक में यानी कि सीवीटी ट्रांसमिशन में आज की इस वीडियो में हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने ये गाड़ी कब खरीदी क्या इसकी रोड कीमत है और इसको खरीदने के बाद वो कितने ज्यादा सेटिस्फाई हैं या नहीं है क्या उनको कमियां लगी क्या खूबियां लगी और जब इस सेगमेंट में इस प्राइस सेगमेंट में इतने सारे ऑप्शन हैं ग्रांड विटारा टोयोटा हाई राइडर क्रेटा या फिर आपके किया कि टाटा हेरियर का बेस वेरिएंट भी इस प्राइस सेगमेंट के अंदर आ जाता है तो तब उन्होंने होंडा एलिट को क्यों चुना उनको ये डर बिल्कुल भी नहीं लगा कि होंडा का जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा खतरे में है इंडिया के अंदर और इतनी ज्यादा मतलब होंडा आउटडेटेड गाड़ियां ऑलरेडी मार्केट के अंदर दे रही है तो उन्होंने अपना पैसा इस गाड़ी के ऊपर क्यों लगाया हर एक चीज में यहाँ पे इनसे डिटेल्ड में जानने की कोशिश करूंगा तो अंकित जी आपका स्वागत है थैंक यू अब आपने गाड़ी खरीद ली है हाँ, खरीदी क्यों कितने प्राइस में खरीदी और कौन कौन सी गाड़ियां उस टाइम पे देखी और उनको क्यों रिजेक्ट करा सबसे पहले आप ये बताओ क्योंकि ज्यादातर जो आज के टाइम में फाइव सीटर के कस्टमर्स है ना जो बड़ी गाड़ियों में अपग्रेड कर रहे हैं वो इसी सेगमेंट में ज्यादातर गाड़ियां खरीद रहे हैं तो हमने एलिवेट इसलिए चूज करी क्योंकि हमें ऑटोमेटिक चाहिए था ठीक है और इस सेगमेंट में जैसे सेल्टोस आ जाती है आपकी क्रेटा आ जाती है जो कि इस टाइम लीड कर रहे हैं उनका ऑटोमेटिक पड़ता है हमें अट्ठारह उन्नीस अगर प्रॉपर ऑटोमेटिक में जाते हैं तो वो अट्ठारह उन्नीस के आसपास जाके पड़ता है ठीक है तो उसमें हमें इतना डालना नहीं था फिर उसमें आ जाता है एक आई एम टी आई एम टी के अपने एक ड्रॉबैक्स हैं उसमें क्या है अगर क्लच तो होगा नहीं मैनुअली गियर डालेंगे अगर बच्चा भी बैठा है तो वो भी गियर शिफ्ट कर सकता है तो इसलिए हमने वहां पर नहीं गए हमने इसका इसका ले लिया और इसका जो ऑटोमेटिक है वो सेकंड मॉडल से आना स्टार्ट हो जाता है हाँ, तो ये तो हमारी इसलिए चॉइस बन गई थी कि हाँ हमें एलिवेट ही लेनी है पहली प्रेफरेंस हमारी ऑटोमेटिक लेने की थी ठीक है। और जैसे ग्रैंड विटार आ जाती है तो उसका यही रहता है मारुति गाड़ी का कि बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तो इस वजह से हमें मारुति पे शिफ्ट करना नहीं था मारुति गाड़ी लेनी थी तो कुछ ऑप्शन दो ऑप्शन कम हो चुके थे तो अब एलिवेट ही सबसे बेटर ऑप्शन था तो इसलिए हम एलिवेट लिया ये आपको ऑन रोड किस प्राइस में मिली है ये सत्तर तीस के आसपास पड़ गई हमें सत्रह तीस सत्रह तीस ठीक है तो अभी जैसे आपने इसको ऑटोमेटिक में लिया आपकी पहली चाहत थी कि आप ऑटोमेटिक में मिले तो आपने इसकी टेस्ट ड्राइव करी थी उस टाइम पे हाँ टेस्ट ड्राइव ली थी हमने ठीक है मैंने भी ली थी और भाई वगैरह हैं सबने ली थी तो सस्पेंशन वगैरह हमने इसके देखे सस्पेंशन हमें इसके सेल्टोस से बेटर लगे किस फॉर्म में आ, एक होता है एक सॉफ्टर साइड एक ये थोड़ा मतलब उनके बीच में था उससे वो ये थोड़ा सॉफ्ट साइड ज़्यादा है सेल्टोस के से ठीक है हाँ। तो आपने जैसे अब इसको लिया ऑटोमेटिक उसमें बम्स ज्यादा आ रहे थे ठीक है ये थोड़ा सा गड्ढों में और ज्यादा प्यार से, से निकलती है ठीक है आपको ये नहीं लगा कि यार, यार लोग बहुत कम खरीद रहे हैं बिल्कुल है। 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 ये तो खैर वो एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट लेकर हैं पहली बार सेगमेंट में उनकी गाड़ी इंडिया के अंदर आई है तो ये डाउट नहीं आया कि यार इतना अमाउंट हम सत्रह लाख रुपए डाल रहे हैं होंडा में डालना चाहिए अच्छा कजन ब्रदर है उन्होंने बोला था कि होंडा जा सकती है इस इस प्रोडक्ट को रहने दो लेने को hmm. पर ये कि हाँ इसका तो इंजन hmm. जो इंजन है वो काफी रिलायबल है अब जैसे होंडा सिटी में जो इंजन है वही इसमें आता है और वो इंजन लगभग 20-25 साल से चलता हुआ आ रहा है तो hmm. इंजन से तो नो no डाउट इंजन के अकॉर्डिंग ये तीन चार लाख आराम से चल जाएगी hmm. तो वो भी एक था कि हाँ हम एलिवेट ही लेके इंजन रिलायबिलिटी हमें मिल रही थी इसमें ठीक है एक ये हो गया और ऑटोमेटिक सही चीज में मिल रहा

कितना भी रफ चला लो आपकी गाड़ी फिर भी सेफ रहेगी क्योंकि जब आपके हुआ से दिखते हैं ना तो आपको दिखता है यार गाड़ी यहाँ ये यह बचा के चलना है तो आपकी गाड़ी हमेशा सेफ साइड रहेगी और उसके साथ साथ आप आप भी सेफ साइड तो रहे। आप ये कह रहे हैं हो गया जब आप ड्राइवर सीट में हाँ। बैठते हो तो आपको पूरा बोनेट विजिबल होता है और आपको ना कुछ एक अलग ही व्यू आता है कि आप एक अपर सेगमेंट की गाड़ी में बैठे हो तो वो मेन पॉइंट कॉन्फिडेंस फील होता है तो आपको एक अपर सेगमेंट फील होता है इसमें बैठने के बाद जो कि सेल्टोस और क्रेटा में बिल्कुल नहीं है ठीक है हाँ और कंफर्ट कैसा है गाड़ी कंफर्ट डिसेंट कंफर्ट है कंफर्ट को मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ बहुत अच्छी सीटें हैं या बहुत जैसा अगर सिटी में बैठ जाओगे तो सिटी की सीट काफ़ी कंफर्टेबल है इसकी सीट थोड़ा उस तरह से डिजाइन करी गई है कि हाँ एक कमांडिंग पोजीशन के हिसाब से एक एसयूवी है तो इसलिए इतना बहुत हाई क्लास कम्फर्ट नहीं है पर हाँ एक डिसेंट इनफ है उस चीज़ में और डाइनिंग अच्छे हैं ज़्यादा रफली तो मैंने चलाई नहीं है पर हाँ ठीक है मैंने एक सौ बीस तीस चलाई है मेरे को कॉन्फिडेंस अच्छा था कि हाँ चलाने में बढ़िया चल रही है स्मूथ चल रही है काफी तो ये था तो और भी ऑप्शन और भी चीजें थी हाँ जो आप गाड़ी को चला रहे हो एक फील आना चाहिए और सामने वाले को दिखना चाहिए कि हाँ गाड़ी आ रही है ठीक है तो ये था तो इंटीरियर की जो क्वालिटी है प्लास्टिक क्वालिटी जो है या मतलब म्यूजिक सिस्टम की क्वालिटी ये जो अंदर फीचर्स हैं वो फीचर्स आपको कैसे लगे या इसकी प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी है सेल्टोस से अच्छी है प्लास्टिक क्वालिटी मतलब मेरे ख्याल से सेगमेंट में सबसे अच्छी प्लास्टिक क्वालिटी इसकी है और जो स्टीरियो है स्टीरियो का आप कह सकते हो हां सेल्टोस ये जो फीचर्स हैं फीचर्स में आगे है इससे तो इसके फीचर्स के अकॉर्डिंग के जो फीचर्स हैं वो थोड़े कम है हाँ, वो और इसकी स्क्रीन भी आठ इंच में अपर हाँ, सेगमेंट में इसमें जो जेड एक्स मॉडल है उसमें दस इंच की आ है इसमें आठ इंच की है इसमें उसके फीचर्स कम है थोड़ा और थोड़ा साउंड भी सेल्टोस से थोड़ा हल्का है अच्छा साउंड सिस्टम जो है वैसे गाड़ी ठीक है हाँ डिसेंट है हमें थोड़ा ये भी था हाँ, कि फैमिली के अकॉर्डिंग हर कोई बैठे तो यूज टू हो उसके लिए अगर कोई मतलब हमसे ऊपर के एज का बैठ जाएगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कहाँ से क्या करना है हाँ। इसमें अब जब फादर को भी चलाएं तो सब कुछ उनके लिए भी ओके है हमारे लिए भी ओके है। तो मतलब तो तो, जो हाँ। आपके काम के फीचर इजिली यूज कर रहे वो इसमें है चीजें कि समझ में आ रही हैं बिल्कुल ये नहीं है कि बिल्कुल हेक्टर की तरह हो गया कि सब कुछ टच पैनल हाँ 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 यही वाला थोड़ा रीजन ये भी है इसका ठीक है तो अब आ गए रियर पे ठीक है रियर से भी इस गाड़ी की लुक्स थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे और गाड़ियों से थोड़ी अलग सी लुक है तो अंकुश ये बताओ आपको कैसी लगती है पीछे से ये गाड़ी पीछे से बड़ी प्यारी लगती है प्यारी लगती है प्यारी लगती है मतलब एक ऐसा नहीं है कि हाँ बिल्कुल भरा हुआ है सिंपल सोवर है खैर गाड़ी ही बिल्कुल सिंपल सोवर है कि हाँ आप इस एज में भी चला रहे हैं और आज आप इसके बाद ना इसको सात साल बाद भी देखोगे ना आपको ये गाड़ी ऐसी ही दिखेगी जैसी आज लग रही है आउटडेटेड नहीं होने की एक होता है कि हाँ चीज़ें सिंपल सोवर बनाई जाती हैं कि जो आज भी आपको अच्छी लग रही है और आने वाले पाँच दस साल भी आपको ऐसी लगेगी अगर आपको लॉन्ग टाइम भी रखनी है तो आप कभी इससे ना बोर नहीं हो सकते अगर कुछ कट्स एंड क्रीजिस दे दिए ज़्यादा इसको

बूट इसका हाँ। दोनों से बड़ा दोनों से बड़ा, है। बड़ा बूट है उनमें फोर थ्री थ्री लीटर के आसपास है शायद के आसपास बूट आपको मिलता है तो पांच बंदों का जो लगेज है वो इजिल आप इसके अंदर रख सकते हैं मतलब आराम से बड़े बड़े बैग गाड़ी के अंदर जो है वो आपके आ जाएंगे तो अंकुश भाई ये तो सारी चीजें हो गई गाड़ी की मोटा मोटी सी हाँ। पॉजिटिव चीज है अब आपको गाड़ी चलाते हुए काफी टाइम भी हो गया साढ़े तीन हजार किलोमीटर चला भी चुके हो दो महीने के आसपास होने वाले हैं पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव भी होंगे बिल्कुल आपको एक बार आना पड़ेगा नेगेटिव दिखाते हैं

हैंडरेस्ट भी नहीं लगता है पर हाँड हैंडरेस्ट जो है वो होना चाहिए था और तीसरा एक बार और आए आप बताओ अब ये जो रबड़ है ना इसकी ये रबड़ बहुत छोटी है ये ना मिरर से टच होती है तो इसमें गंदगी नहीं जाती सेल्टोस में भाई ने सेल्टोस लिया है उसमें यही है कि हाँ रबड़ बिल्कुल मिरर से लगी हुई है तो उसमें गंदगी नहीं जाती है अब इसका गंदगी वैसे एक चीज हुई है कि हाँ इसका मिरर जो है ना तो आपने गिलास नीचे करा। हाँ। गिलास करा। ये वापस बैक मारेगा और हाँ। ये तो ये गंदगी जाके कहीं भी ऊपर जाके अड़ रही है कहीं भी अड़ रही है, हाँ, तो ये, हाँ। गैप है यहाँ पे। हाँ, ये वाला गैप ज्यादा है ये रबड़ अगर मिर ये मिरर ये रबड़ मिरर तक होती तो ये दिक्कत नहीं होती इसमें अब ये गंदगी चली गई ये बार बार दिक्कत कर रहा है अब जैसे अब लग गया कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा

ये सारी चीजें हो गई इसके इंटीरियर के फीचर्स की या कुछ हाँ। हेडलाइट की परफॉर्मेंस कैसी है सेगमेंट में सबसे अच्छी है अच्छा। सेल्टोस क्रेटा सबको बीट करती है हेडलाइट में कोई हाँ। शिकायत नहीं कोई शिकायत नहीं, है। नहीं कैसी भी कितनी स्पीड से चलाओ आप वहाँ विजिबिलिटी के लिए पूरे नंबर ठीक है दस में से दस अब मुझे बताओ जैसे

और इसका जो ब्रेकिंग है ब्रेकिंग कैसी लगती है आपकी क्योंकि इसके सेगमेंट में जो अदर गाड़ियां उनमें चारों डिस्क हैं ज्यादातर हाँ। थोड़ा बहुत है जैसे सेल्टोस है हमारे पास तो सेल्टोस को जैसे आपने सेल्टोस चलाई उसके बाद डायरेक्ट इसमें बैठोगे तो आपको एक बार को लगेगा कि यार ये थोड़ा कम ले रही है प्रेस करने पे थोड़ा हल्का सा फील होता है क्योंकि उसमें चारों डिस्क हैं इसमें आगे आगे हैं पर हमारे पास जैसे पहले अमेज थी तो ब्रेकिंग के मामले में होंडा भी अच्छी है Hmm. कोई दिक्कत नहीं है पर हाँ, जैसे अब चारों डिस्क ब्रेक आ रहे हैं तो वो उनकी परफॉर्मेंस ब्रेकिंग टाइम पर कुछ ज्यादा अच्छी हो जाती है बेटर साइड रहती है है ठीक वैसे कोई इशू नहीं है ना कोई रोल बॉडी रोल है hmm. पहले मेरे को डाउट था कि हाँ ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है तो बॉडी रोल हो सकता है पर बॉडी रोल है नहीं इतना अच्छा। जितना सोचा था कुछ वीडियोस देखी थी उसमें था बोल रहे थे कि हाँ बॉडी रोल होगा पर मेरे को कुछ ऐसा लगा नहीं फील नहीं हुआ अभी तक ज्यादा तो नहीं वन थर्टी के आसपास तक चलाई है पर नहीं फील नहीं हुआ okay. हाँ। अच्छा हाँ। तो चलाई हाँ। कहाँ तक ड्रॉप होता है मेरे को जिस टाइम ये इक्कीस का एवरेज दिखा रही थी जैसे मैं आराम से एट्टी के आसपास तक चल रहा था जैसे मैंने इसको हंड्रेड हंड्रेड तक गया तो एवरेज नाइनटीन एटीन तक आ गया था एटीन से नीचे नहीं आया था जब मैं इसको वन 10, 120 के आसपास चला। लेकिन वो तो आप आप स्मूथली लेके गए मैं हाँ। कह रहा अगर आप थोड़ी सी रश ड्राइविंग करते हैं तो लोकल में मेरे को 14 का दे रही है ठीक है लोकल की बात कर रहा हूँ मैं लोकल में ट्रैफिक अच्छा खासा होता है हमारे यहाँ पे तो 14 का निकाल देती है अगर ट्रैफिक नॉर्मल सा है जैसे आज हम मॉर्निंग में आए हैं तो ऐसा कोई खास ट्रैफिक नहीं था तो लोकल में भी आज इसने एटीन प्लस निकाल दिया था

करोल बाग गए थे उस ट्रिप के अंदर तो उसमें इसने मेरे को तेरह पॉइंट ती, तीन का पूरे पाँच सौ किलोमीटर का निकाल के दिया जिसमें कि हम एक हैवी ट्रैफिक में थे और एम आई डी का जो माइलेज है हाँ, का जो माइलेज है तो मतलब अगर माइलेज का कंसर्न किसी का है तो वो ये रखे की हाँ मरे से मरा आपको मरे से मरे से मरा ट्रैफिक के साथ जो हैवी ट्रैफिक है वहाँ पे तेरह का निकाल के देगी और नॉर्मल ट्रैफिक है तो पंद्रह का आप मान के चल सकते हैं और फिर आपके ड्राइविंग के ऊपर है कि आप कैसा चला रहे हैं बट एक अच्छा है क्योंकि गाड़ी काफी हाँ। बड़ी है खुद का भी बॉडी वेट हमारा डाउट था कि लोकल में हमें नौ दस का ही देगी पर वो डाउट इसने क्योंकि होंडा सिटी देती है, हाँ हाँ। है पर नहीं इसने अच्छा एवरेज दिया है तो फिर... यहाँ पे कह सकते हैं कि होंडा ने कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट तो हाँ करे हैं जैसे

सबसे कम है इसका हाँ फ्यूल टैंक सबसे कम है पाँच सौ किलोमीटर की ट्रिप ये करती नहीं है हाँ फुल पाँच सौ किलोमीटर कर नहीं पाएगी जो एम आई डी दिखाता है अभी ऐसा गई नहीं है कि हाँ फुल टैंक करा के पाँच सौ किलोमीटर से ऊपर हमें जाना है तो यहाँ पर एम आई डी में शो नहीं करती है फुल टैंक होने के बाद अब मुझे बताओ जैसे आपने गाड़ी को हाई स्पीड पे 130 एक सौ तो 130 पे आप कह रहे हो कि बॉडी रोल इतना ज्यादा नहीं था बट अगर कोई इसको 150 160 चलाए 160 पे कंपनी ने लॉक कर रखी है स्पीड इससे ऊपर जाएगी नहीं अच्छा हाँ। मतलब ये जाएगी ही नहीं तो भगाने के लिए गाड़ी चाहिए मेरे को एक पे नहीं मेरे को तो पूरी खींचनी है गाड़ी तो वो बंदा छोड़ देगा ये सेफ्टी कंसर्न किसका ठीक है अब आप मुझे बताओ जैसे मान लो किसी और बंदे का भी सेम बजट है आप ही की तरह मतलब वही चौदह पंद्रह लाख से लेके सत्रह अठारह लाख तक का ठीक है और वो आज के टाइम पे हमारी वीडियो देख रहा है और वो ये डिसाइड करना चाह रहा है कि वो इस सेगमेंट में ये चार पांच गाड़ियां हैं तो आप उसको सजेस्ट करोगे या आप उसको बताओगे कुछ की हाँ और चीजें भी बेहतर हो सकती थी अगर उसको फीचर रिच गाड़ी लेनी है तो वो सेल्टोस पे जा सकता है ठीक है ठीक है अगर उसे ऑटोमेटिक कंसर्न है और उसका बजट ज्यादा नहीं है तो वो इसका सेकंड बेस मॉडल ले सकता है एवरेज भी अच्छा रहेगी और उससे ऊपर उसको अगर ऑटोमेटिक में अगर देखो तो सारी चीजें डिसेंट सत्रह अट्ठारह तक का बजट है तो ये काफ, काफी अच्छी गाड़ी है मतलब आप हाँ। ये कह रहे हो कि ज्यादा सोशे नहीं हाँ 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 एक नॉर्मल गाड़ी रखनी है घर परिवार में भाई जो हर किसी को पसंद आए

ठीक है हाँ। फिर उसने मैनुअल लिया है उसको फीचर रिच गाड़ी चाहिए उसका लुक्स ज्यादा हाँ। सनरूफ थोड़ा हाँ। बड़ा सनरूफ हाँ, हाँ, बड़ा था उसके लिए लुक्स मैटर कर रहे थे और फीचर्स मैटर कर रहे थे तो उसको ऑटोमेटिक में आना नहीं था उसने बोला मेरे को मैनुअली लेनी है तो वही है कि हाँ जिसको एक सिंपल सोवर साइड जाना है तो वो ये ले ले जिसको फीचर रिच जाना है थोड़ा फंकी

नहीं ऐसा कोई खास कंसर्न लगा नहीं अभी सर्विस आएंगी तो तब पता लगेगा कि क्या चार्जेबल हो रहा है क्या हाँ लेबर चार्ज फ्री रहेगा हाँ, लेबर चार्ज फ्री रहेगा पर हाँ अब एक चीज मेरे को गलत लगी अब तीन सर्विस देते हैं पहले चार पांच सर्विस मिलती थी अब तीन सर्विस दे रहे हैं तीन सर्विस से ज्यादा मिलेंगी नहीं उससे अच्छा बोक्स एगर भले ही चार्ज कर लेता है पहले ही पर वो आपको चार सर्विस देता है और उसकी पंद्रह हजार किलोमीटर पे जाके सर्विस होती है ये एक पैकेज काफी अच्छा है जिसकी वजह से कुशाक और अपना ये सब कुशाकुर वो एक, भी ऑप्शन में हमने देखी थी जाके पर वो थोड़ा ना एक इससे सेगमेंट नीचे वाली गाड़ी दिखती है अगर आप लुक्स में देखो एक सेगमेंट नीचे दिखेंगे ये थोड़ी बड़ी गाड़ी लगती है, तो बट उसमें सेफ्टी बहुत अच्छी है हाँ, सेफ्टी 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 ज्यादा अच्छी है इसमें का का कोई कंसर्न कंसर्न आपको लगा हो बिल्ड क्वालिटी के अकॉर्डिंग आज तक होंडा के साथ ऐसा सुना नहीं है कि भाई बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है तो इसीलिए हमने इसको चूज कर लिया कि कल को अगर जैसे आपने पूछा कंपनी जा सकती है तो कंपनी भले ही चली भी जाए पर हाँजन जैसे आज के डेट में सिटी है कम भी चली भी जाएगी तो वो आपको ना फिर भी वैल्यू फॉर मनी ही रहेगी वो आपके पैसे कम नहीं करेगी ऐसे ही आप इस प्रोडक्ट को रख सकते हो जब भी आपके एक्स्ट्रा पैसे नहीं खराब करेगी ठीक है तो और सेफ्ट, सेफ्टी, यहाँ... सेफ्टी के अकॉर्डिंग अच्छी है आज तक अभी ऐसा सुना नहीं है हुडा के साथ की हाँ दिक्कत करेगी तो यही हमारा था कि हाँ कंपनी चली भी जाएगी एक बार को तो कोई दिक्कत नहीं है रिलायबल है चीज ठीक है और

फुल प्रोटेक्शन है इसकी hmm. तो उसमें फुल प्रोटेक्शन में, में मेरे को ये लगता है कि हाँ गेयर बॉक्स की वारंटी आ गई होगी okay. एक्स्ट्रा वारंटी हमने नहीं ली कि एक्स्ट्रा अलग से लें ठीक है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पे अंकुश जी ने होंडा एलिवेट से रिलेटेड एक एक चीज़ आपको डिटेल्ड में बताई है बिल्कुल ईमानदारी से अगर इनको लगा के म्यूजिक सिस्टम की क्वालिटी डाउन है तो वो भी बताया ए की परफॉर्मेंस के बारे में भी बताया अगर गाड़ी की हेडलाइट अच्छी है तो वो भी बताया मतलब कि अगर इनकी गाड़ी के अंदर कोई कमी भी आई है जैसे कि ये जो ड्राइवर साइड ग्लास है इसके अंदर ये कम्प्लीटली क्लोज नहीं होता है दोबारा से ओपन हो जाता है मतलब कहने का ये है कि एक एक चीज़ इन्होंने बिल्कुल ईमानदारी से यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करी है ताकि आप अपने पैसे खर्च करते वक्त इन बातों हाँ, हाँ, अच्छा दिखता है साढ़े सत्रह लाख डालने के बाद भी आपको डायमंड नहीं मिलेंगे और कुछ चीजें इसकी ज्यादा अच्छी है जैसे आपको अभी मैंने बताया अलोयस हेडलाइट्स बेस मॉडल से यही हेडलाइट्स आती हैं उनके हेडलाइट्स ही चेंज होते रहते हैं हाँ, सब को तो चेज़ कुछ चीजें हैं, अच्छी हैं। हाँ कुछ, हैं। हैं, हाँ, हाँ, कुछ चीजें इसमें अच्छी है हाँ, हाँ, कुछ चीजें इसमें भी सुधार के लिए हाँ, भी सुधार के लिए जैसे क्रूज कंट्रोल हो गया हैंड रेस्ट हो गया तो ये चीजें तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपका कोई डाउट है इस गाड़ी से रिलेटेड या किसी और गाड़ी से रिलेटेड भी वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा अपने दोस्तों के साथ फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को बाकी मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच